राजस्थान में भजनलाल सरकार अब एक्शन के मूड में है। इसी के साथ राज्य में विभिन्न योजनाओं के नाम बदलने, उन्हें बंद कर नई योजना शुरू करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। इसमें सबसे बहुचर्चित चिरंजीवी योजना पर गाज गिरने की संभावना है। इसके संकेत भी राज्य के चिकित्सा मंत्री गजन सिंह खीवसर ने दे दिए हैं। उन्होंने इस योजना को थोथा ढोल बताया है। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के कसीदे गढ़े हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे गजन सिंह खीवसर ने यहाँ अपने सम्मान और स्वागत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वो 5 बार विधानसभा चुनाव में उतरे और 4 बार जीते। 3 बार तो वो मंत्री भी रहे हैं। चिकित्सा विभाग के रूप में इस बार उन्हें बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिला है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि विभाग को चमकाकर रखें। इसके लिए उन्हें यमराज को भी धमकाकर रखना होगा ताकि वो किसी की जान न ले सके। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जान है तो जहान है, इसलिए राज्य के सभी अस्पतालों की सेहत सुधारने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में 10,000 नए कर्मचारियों की भर्तियां शुरू कर दी गई है। कारण यह है कि जब कर्मचारी नहीं होंगे तो अच्छी सेवा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, चिरंजीवी योजना एक थोथा ढोल था, किसी काम की नहीं है। इसमें कहा तो गया था कि 25 लाख रुपये तक का इलाज फ्री होगा, लेकिन आज तक किसी को भी 8 लाख रुपये से अधिक का लाभ नहीं मिला। राज्य में आयुष्मान योजना की सुविधा दी जाएगी, इससे मरीजों का संपूर्ण इलाज हो सकेगा, खर्च सरकार उठाएगी। मंत्री खींवसर के इस बयान के बाद आशंका जताई जाने लगी है कि बहुत जल्द चिरंजीवी योजना को बंद किया जा सकता है। बता दें कि सरकार जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से इस योजना को जारी रखने का अनुरोध भी किया था। चूंकि ये उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, इसलिए उन्होंने आग्रह किया था कि जनता कल्याणकारी योजना है, इसे बंद ना किया जाए। इधर भजनलाल सरकार ने भी भरोसा दिया था कि कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन ये तो होता आया है। गहलोत ने वसुंधरा की भामाशाह योजना को बंद किया था, अब चिरंजीवी बंद होगी, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये जनता के लिए है, सियासत के लिए नहीं।